Hi everyone, this side Rakesh. I'm the founder and CEO of Celebrity Face India. And today we have Dilo Ki Rani Maharani, Patna Bihar se, jahan shuruaat unhone bahut zero level se start ki. And within 3 years, pure India ki again jeejaan ban chuki hai. Sabki Rani, Manisha Rani aa chuki hai Celebrity Face Delhi mein dobara. So Manisha, kaisa feel ho raha hai dobara Celebrity Face mein aake? Not dobara, I think tiwara. Yes. Yeah. This is third event of Celebrity Face. और मुझे हर बार की तरह इस बार भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि राकेश जी खुद भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं, और इनके जितने भी क्रू मेंबर हैं दे ऑल आर वेरी स्वीट, वेरी क्यूट. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और अपने फैंस से मिलके किसको नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि आज हम जो भी हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस की वजह से हैं. तो फैंस से मिलना इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू. एंड मनीषा, ये बताइए, आप तो इंस्टाग्राम में अराउंड 4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, और आई थिंक आपका यूट्यूब में जो जर्नी में ग्राफ देख रहा हूँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शॉर्ट्स में एंड ब्लॉगिंग में, तो उसके बारे में बताएं, कैसे यूट्यूब में कैसे तहलका मचाई हुई है आप? अरे मनीषा रानी जिस भी प्लेटफॉर्म में जाती है वहीं तहलका मचाती है, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, जो भी हो. क्योंकि मैं जो कंटेंट बनाती हूँ, क्योंकि यूट्यूब के ऑडियंस अलग है और इंस्टाग्राम के अलग है, और यूट्यूब में आई थिंक यूट्यूब ऐसा है जो मतलब बहुत डाउन वाले लोग भी देख सकते हैं, चाहे वो ऑटो वाला हो, रिक्शा वाला हो, क्योंकि यूट्यूब इज़ वेरी इजी. इंस्टा का तो थोड़ा फंक्शन जो है लोग सब नहीं यूज़ कर पाते हैं, बट यूट्यूब बहुत ईजी है. तो यूट्यूब पर बिहारी लोग, छोटे लोग, गाँव के लोग, मतलब सारे लोग उधर भरे पड़ रहे हैं. तो यूट्यूब भी बहुत ईजी वे है लोगों तक पहुँचने का, और जब मेरे वीडियोज़ तो ऑब्वियस यू नो बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, और होम टाउन के जितने भी लोग हैं बिहारी वेहारी, उनको तो मेरा वीडियो अच्छा लगने ही लगना है. तो बोल के यूट्यूब पे भी मेरे ग्रोथ बहुत जल्दी हो रहा है, क्योंकि मेरा सेम कंटेंट रहता है. तो अभी मैं यूट्यूब पे फोकस की हूँ, तो इस साल का तो मेरा टारगेट है कि मेरे को 3-4 मिलियन करने यूट्यूब पे. लेट्स सी, मे बी हो जाए. ऑल द बेस्ट फ्रॉम टीम सेलिब्रिटी फेस. आप 3 मिलियन क्या 10 मिलियन आपके हो जल्दी से जल्दी. आपके लिए खतरा हो जाएगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा. हाँ, ये बात तो है गाइस. प्रॉब्लम ये थी, जैसे जैसे क्रिएटर के आगे फॉलोअर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे अमाउंट बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है. बोल के राकेश जी को घाटा हो जाएगा, वो मुंह पे बोल रहे पर अंदर सोचते हैं भगवान नहीं हो, नहीं हो. नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं चाहता. मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि हमारे जितने क्रिएटर हैं या फिर सेलिब्रिटी फेस कंटेस्टेंट सब बढ़े. और इसी कड़ी में बताना चाहूंगा, आपके कुछ 2 फैन आए हैं, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं. एक तो बैंगलोर से हैं, वो कुछ पूछेंगे, एंड अगेन एक फीमेल फैन भी है, वो भी आपसे कुछ पूछेंगी. सो आइए मिलाते हैं मनीषा रानी के 2 फैन से, और वो अब इंटरव्यू लेंगे मनीषा रानी का. स्टे ट्यून, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अब उनसे मिलते हैं नेक्स्ट. हेलो एवरीबॉडी, सो हियर इज आवर मंतिशा एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड आई एम एन इंजीनियर. So obviously everybody knows her, she is Manisha Rani, one of the biggest influencer. So obviously जैसे मैं भी आपकी फ़ैन हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मेरे थ्रू मे भी कुछ फैंस के आपके जो ये क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सकें. अभी मैंने आपकी उनसे जब बात हुई, आपके वन ऑफ द फैंस से, तो मैंने आपकी एक चीज़ सुनी कि आप आपके घर से 12th में भाग गए थे, राइट, आपके इस ड्रीम के लिए. तो अभी जैसे होता है कि अभी जो जनरेशन है वो अपने घर से चली तो जाती है, बट एट द एंड उनको लगता है कि बहुत नेगेटिविटी आ रही है, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना पैसे हैं ना कुछ है, मैं कैसे वो चीज़ अचीव करूं? तो आपको नहीं लगा कि यार छोड़ दो, या मेरे पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो आपने कैसे डील किया इस नेगेटिविटी से? अभी हाल फिलहाल की जनरेशन को देखते हुए आप क्या उनको बोलना चाहेंगी? आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में आते थे, एक बार नहीं कई बार. क्योंकि जब आप वो सब काम करते हो ना, जिस काम में लाइक आपको किसी शादी में 8-8 घंटे, लाइक जब मैं एक बार शादी में, मतलब मेरे पापा लोग को भी इवन पता नहीं है कि मैंने कभी सच में किसी के शादी में वेटर का भी काम किया है. तो जब खाना ऐसे रहता था और हम वेटर के ड्रेस में रहते थे, तो मन तो कर ये उठा ले ये उठा ले, लेकिन स्ट्रिक्ट रहता था कि खाना भी कुछ नहीं खाना है. तो मैं मेरी फ्रेंड को बोलते थे, बहन हम नीचे झुकेंगे, एक बाइट लेंगे बस, तुम मैनेज कर लेना. फिर 8-8 घंटे रह के उसके बाद भी वो लोग जब हो जाता था, फिर मतलब बोलते थे 2-4 घंटे रुको, उसके बाद पैसे देने वक्त भी होता ना बहुत खिचपिच करना. फिर बहुत टाइम माइंड में आया कि कुछ मतलब गलत काम भी एक होता ना, मतलब कुछ भी होता है इधर उधर, लड़कियां तो बहुत सारा ऑफर मिलता है, ऑप्शन मिलता है,
बट हमेशा एक चीज़ ऐसा लगता था कि नहीं, अगर लाइफ में कभी भी कुछ गलत काम या शॉर्टकट करके आगे बढ़ेंगे ना तो मैं तो बढ़ जाऊंगी, लेकिन वो अंदर से कभी भी मेरे को वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और इवन मेरे पापा को भी, जैसे मेरे पापा है, हमेशा कुछ भी हो जाए इज्जत के लिए बहुत मरते हैं कि हम पैसे नहीं भी कमाएं, बट मेरे लिए इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे को वो चीज़ हमेशा माइंड में रहता था कि नहीं, कुछ भी कर लेंगे, कभी भी गलत चीज़ें, आप अगर कुछ चीज़ आप करते हो तो कितना भी कभी ना कभी सामने आ जाता है किसी भी वे में। तो मेरे को ये था नहीं यार कि हम छोटे से छोटे काम करें लेकिन हम गलत काम करके या फिर शॉर्टकट काम करके मेरे को लाइफ में आगे नहीं बढ़ना है। बहुत बार ऐसे बोला गया कि आपको विपासा का सेकेंड लीड मिल रहा है, आप ये कर लो वो कर लो, 4 लाख मिल जाएगा, 5, बट कुछ आपको पता है बॉम्बे में ये सभी डायरेक्टर होते हैं, चलो मूवी देखने साला बाल में टकला हो गया है, उसके बाद भी 50 साल में चाचा की उम्र में चलो साथ मूवी देख लें, भैया रहने दीजिए हमको लीड रोल नहीं चाहिए। हम जो कर रहे हैं, मेरे को अपने आप पे बिलीव है कि अभी भी शायद मैं जिस लेवल पे हूँ शायद इससे और भी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे होती अगर मैं कुछ शॉर्टकट वे शॉर्टकट तरीके से काम करके या फिर कुछ गलत काम करके मेरे को बढ़ना होता तो। बट आज तक मैंने लाइफ में जो भी किया अपने दम पे किया है और मैं एकदम कह सकती हूँ कि हाँ, मेरा मुझे कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही फाइनेंशियली, ना ही भी किसी भी तरीके से, ना ही मैंने कभी कुछ शॉर्टकट रास्ते को अपना के आगे बढ़ा। बट एक मन में था कि हमेशा बहुत निगेटिविटी आता था, लगता था यार छोड़ दे, घर भाग जाए या फिर रहने दो, अब हो गया मेरे से नहीं हो पाएगा। बट फिर अंदर से एक होता था ना कि नहीं, तुम कर सकती हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप कभी भी हार मत मानिए अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये सब चीज़, और आप आगे चल के किसी का इंस्पिरेशन तभी बनिएगा जब आप आगे कभी किसी को बता पाइएगा कि हाँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं थे, मेरे पास पहनने के लिए नहीं थे, मैंने ये काम किया, बट फिर भी आज हम इस लेवल पे हैं क्योंकि मेरे को खुद पे भरोसा था। तो कोई कुछ भी हो जाए, अपने आप पे भरोसा करना मत छोड़ो, क्योंकि आप पे उंगली उठाने वाले तो 10 रहेंगे लेकिन आपको खुद को संवारने वाला कोई नहीं रहेगा। यू आर द ओनली वन पर्सन जो आप खुद को संवार सकते हो या खुद के लिए कुछ कर सकते हो, क्योंकि आज के ज़माने में बॉयफ्रेंड हो जाए, कोई भी हो जाए, अगर आप अच्छे लेवल पे हो तो सब आपको बोलेंगे हाँ हाँ, सी इज़ माइंड, ये मेरी। इवन घर वाले भी क्यों, अगर आप जब तक अच्छा नहीं करो तो आपको 4 बात उनसे भी सुनने मिलता है। तो इसीलिए दुनिया छोड़ के बस अपने आप पे विश्वास रखो और करते जाओ। कॉन्फिडेंस ज़रूरी है अभी, बस सेल्फ कॉन्फिडेंट इज द की ऑफ सक्सेस। सो अभी जैसे इन्फ्लुएंसिंग में आपने बताया कि आपके रोहित एंड भुवन बाम आपके फेवरेट हैं, राइट? तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होती हैं एंड उनके जिस जर्नी के लेके अप टू डाउन आप उनको बहुत ज़्यादा मानती हैं कि लाइक हाँ, यही है जो है जिनसे मैं कुछ सीख सकती हूँ, ऐसा कोई? मुझे माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है, क्योंकि नो डाउट माधुरी दीक्षित किसको पसंद नहीं, उनके एक्सप्रेशन, उनका डांस। और देखो, किसी भी एक्ट्रेस को हम ये नहीं कह सकते कि इंस्पायर करती है, क्योंकि हर एक एक्ट्रेस इंस्पायर करती है। क्योंकि मेरे को अभी ऐसा लगता है कि जब हम रील्स बनाते हैं, घर से निकलते हैं, लोगों को लगता होगा कि हाँ, इसको नाम मिल गया, इसको फेम मिल गया, यार सी इज़ वेरी लकी। इवन जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी एक्ट्रेस इधर घूम रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, आईफा अवार्ड में जा रहे हैं, तो मैं बोलती भी थी यार, इन लोगों का लाइफ कितना अच्छा है, दे आर वेरी लकी, इनके पास सब कुछ है। बट अभी मेरे को फील होता है कि जब एक रील बनाने में मेरा सुबह से रात तक का टाइम चल जाता है, रेडी हो, मेकअप आर्टिस्ट को बोला, उसको एडिट करो, तो जब मेरे इस काम में इतना मेहनत है तो उनके काम में कितना मेहनत होगा। तो कोई भी अगर एक अच्छा एक्टर है या एक्ट्रेस है तो वो सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो है, क्योंकि उसके पीछे का बहुत मेहनत रहता है। तो एवरी एक्ट्रेस जो भी हो, चाहे माधुरी दीक्षित हो या प्रियंका चोपड़ा हो, प्रियंका चोपड़ा इज़ माई फेवरेट वन और माधुरी दीक्षित, दे ऑल इंस्पायर मी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि हाँ, वो लोग मेहनती बहुत ज़्यादा होगी अपनी लाइफ में, जो इतना डेली शूट कर रही है, मेहनत कर रही है, जिम जा रही है, खुद को मेंटेन करना भी, सजना सवरना, बाप रे बाप, मतलब इट्स वेरी टफ कि इतना सब कुछ करके फिर भी आप 50 साल तक भी यंग दिखो, अच्छा दिखो। और उस पर भी लोगों का कमेंट सिर्फ आता है कि यार दे आर वेरी लकी, बट दे आर नॉट लकी, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दैट्स वाई दे आर लकी। तो आपको क्या लगता है कि किस्मत हमेशा काम करती है या फिर हार्ड वर्किंग? डेफिनेटली हार्ड वर्किंग। देखो, किस्मत सम टाइम काम कर सकता है, लाइक अगर चलो मैं टिकटॉक में थी, मेरे को लोगों ने पसंद किया, बट अगर हम कंटिन्यू मेहनत नहीं करते तो टिकटॉक तो बैन हो गया। फिर मेरे को ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिकटॉक से ही फेम इंस्टाग्राम पे मिला, अब मेरे को इंस्टाग्राम पे भी कुत्ते की तरह मेहनत करना पड़ा, सुबह शाम वीडियो बना, दिन रात वीडियो बना, ये करो। तो फिर मैंने इंस्टा पे इतना मेहनत किया, फिर जाके मैंने इंस्टा पे इतना ग्रोथ किया। तो अभी जैसे यूट्यूब पे भी है, मैं सोचूंगी बस इधर का फैंस उधर आ जाए तो ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूटी तो हर चीज़ में देना पड़ता है, मेहनत कभी रुकता नहीं है। आज भी मैं इस लेवल पे बोलूंगी मैं आ गई हूँ, मैं जाके बैठ गई हूँ, जिंदगी भर खाऊंगी इसी के पैसे से, तो ऐसा नहीं होगा। अगर मेरे को 50 साल तक भी अपना नाम बनाना है तो 50 साल तक भी मेरे को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मेहनत करते नहीं रहोगे वो आपका फेम एक टाइम तक आके रुक जाएगा, वो कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं रहेगा। तो अगर आपको अपना लाइफ, अपना फेम, कंटिन्यूटी चाहिए तो आपको कंटिन्यूटी में हार्डवर्क करना पड़ता है। एब्सोल्युटली राइट।
एक बहुत ही वियर टाइप का भी क्वेश्चन है बट क्वाइट सिमिलर है आपके लिए, बिकॉज जैसे आप भी आप काफ़ी स्मॉल टाउन से हैं राइट, इवन मैं एग्जांपल दूँ बिहार साइड का, जैसे आपने बोला पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती है राइट, एंड इवन 12th तक भी नहीं पढ़ाया जाता, शादी कर दी जाती है। तो जब आप वहाँ पे रहते हैं एंड कुछ गर्ल्स आपको देखकर डेफिनेटली इंस्पायर होती होंगी अभी तक, बट अपने पेरेंट्स को नहीं बोल पाती होंगी, एंड आपकी जितनी हिम्मत नहीं होगी कि वो भाग सकें, मे बी उनके दिमाग में यही डर आता होगा पैसा नहीं है कुछ नहीं है मैं कहाँ जाऊँगी, तो उन लोगों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे उन जनरेशन के लिए, उन गर्ल्स के लिए जो आपसे इंस्पायर तो है बट वो स्टेप नहीं ले पा रहे हैं? मैं उन लोग को तो पहले यही कहूँगी कि भागना सच में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद वाला जो सीन होता ना सब मनीषा रानी नहीं है शायद वो सब टॉलरेट नहीं कर पाए। तो पहले सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो, और मुझे लगता है कि अभी पिछले लाइक मेरा जो जर्नी चल रहा है मैं 5-10 साल से, मतलब एक होता ना स्टार्टिंग से ही करना स्टार्ट कर दी हूँ, तो 10 साल में बिहार भी बहुत चेंज हुआ है उनके, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया तो सबके माँ बाप को भी लगता है कि हाँ हाँ यार बच्चे को रोकना टोकना नहीं अच्छा है। तो मैं तो हर पेरेंट्स से भी यही कहूँगी कि अगर आप अपने बच्चे को फोर्सफुली कुछ करवाते हो तो वो कर लेंगे बट वो कभी भी उस चीज़ में खुश नहीं रहेंगे, चाहे अगर आप 20,000 का ही जॉब कर रहे हो लेकिन अपने पसंद का जॉब कर रहे हो तो आप उसमें खुश होंगे, अगर आप 1,00,000 का भी जॉब कर रहे हो और आपको उसमें मन नहीं लग रहा तो फिर आप खुश नहीं होंगे। तो मैं तो इवन पेरेंट्स से भी कहूँगी कि आप बस अपने बच्चों का मतलब जज्बात को समझो और उसको जो अच्छा लगता है, वेदर दे वॉन्ट टू बिकेम इंजीनियर डॉक्टर क्रिकेट एक्टर डांसर जो बनना चाहते हैं उनको वही बनाओ, क्योंकि लाइफ बस एक बार मिलता है और एक बार हम अपनी ज़िंदगी से सैक्रिफाइस करना अच्छी बात नहीं है, और जब पेरेंट्स हो के आप नहीं समझोगे तो फिर दुनिया में और कौन ही समझने वाला है। इंसान भले ही माँ बाप कितने भी खपा हो जाए या फिर हम माँ बाप से लड़ लें लेकिन एक वही है जो हमारे लिए सबसे अच्छा सोचते हैं, और बच्चे भी कितने भी कुछ हो जाए लेकिन अगर वो लाइफ में अच्छा करते तो आज भी मैं सबसे पहले सोचती हूँ पैसे भी आते तो पापा को ये देना, पापा के लिए ये करना है, तो ये जो कनेक्शन है माँ बाप का और बच्चे का ये तो लाइक फॉर एवर, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो सबसे अच्छा यही है कि आप उनको समझो और वो आपको समझें। कि मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं होप सो आपको भी आंसर मिला होगा एंड आप भी इंस्पायर्ड होगे, एंड एज मनीषा टोल कि अपना सेल्फ बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि किसी एक पॉइंट पे जाके आपकी लाइफ एंड हो जाती है, आगे बहुत कुछ है, सिंगल लाइफ मिली है, इंजॉय करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा।